चैनल एन टीवी लाइव वेब न्यूज पर मैं हूं आपके साथ नवेद खान। जुर्म यानी क्राइम से जुड़ी सनसनीखेज चौंका देने वाली खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से, जहां ब्रह्मपुरी थाना के किशनपुरा में गुरुवार अल सुबह कारोबारी धन कुमार जैन और उनकी पत्नी अंजू जैन को घर में घुसकर नकाबपोश दो बदमाशों ने गोली मार दी। बताया गया कि दो नकाबपोश बदमाश घर के अंदर बेडरूम में घुसकर दोनों को गोली मारी और घर में लूटपाट भी की। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान कारोबारी धन कुमार जैन की मौत हो गई है। बड़ी खबर है, इस पूरी घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप है। वहीं धन कुमार की पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। इस डबल मर्डर की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर एसएसपी रोहित साजवान मौके पर पहुंचे। एसपी सिटी पीयूष सिंह समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आरबेकरी वाकया है। दो बदमाश आए, मुंह पर डाटा बांधा हुआ था। धन कुमार जी और उनके घरवाली को गोली मार गए बेडरूम में और कुछ लूटपाट भी की है। तो घर पर कौन था उस वक्त? उन पर एक बेटा था, पोती थी और दोनों थे। तो बेटा बेटे ने बचाने का प्रयास नहीं किया, उनको कमरे में बंद कर दिया। थाना ब्रह्मपुरी के अंतर्गत एक परिवार यहाँ पे रहता है। कुमार जैन जी हैं और उनकी पत्नी यहाँ पे रहती हैं और उनके पुत्र के साथ और उनके बहू के साथ रहते हैं। यहाँ पे सुबह लगभग 8 बजे के आसपास दो लोग इनके घर में आए और घर में आके इन्होंने जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं इनको गोली चलाई इनके ऊपर और इसके बाद घर में लूटपाट भी की है। इसमें पुलिस के द्वारा यहाँ पे हमारे द्वारा टीम बनाई गई है और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इस पूरे प्रकरण में आसपास सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, साथ में जो ये दो लोग कौन थे इनके बारे में पता किया जा रहा है और इसमें अभी तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीत किया जा रहा है और इसमें कठोर कार्रवाई इसमें की जाएगी। कोई डेथ है? हाँ, इसमें जो बुजुर्ग हैं धन कुमार जैन जी उनकी दुर्भाग्यपूर्ण इसमें मृत्यु हुई है और जो महिला है उनकी स्थिति खतरे से बाहर है और इसमें जो सारी कार्रवाई है पुलिस द्वारा की जा रही है। हाँ, इसमें जो है प्रथम दृष्टिया इसमें लूटपाट की बात इसमें निकल के आ रही है और उसी पर कार्रवाई चल रही है। अच्छा सर, बच्चों के लिए एक चीज आ रही है निकल के कि बच्चे बाहर थे, उनको रूम में बंद कर गए। हाँ, ये जो इनके जो बेटे हैं वो अपने बेटे को छोड़ने के लिए स्कूल गए हुए थे और वो पार्क में वहाँ पे सुबह टहलने चले जाते हैं और इस बीच में घर में यहाँ पे चार जो लोग थे, घर में चार ही लोग थे और चार लोग घर के अंदर मौजूद। सर, क्या क्या सामान गया, कितने बदमाश बताए गए? हाँ, इसमें दो लोग घर के अंदर आए थे और सामान के बारे में भी घर वालों से वार्ता चल रही है और दो लोग घर में आना इसमें दिख रहा है। लूटपाट के विरोध में नहीं है, ये अभी देखते हैं कि लूटपाट के विरोध में या फिर पहचान उन्होंने कर ली थी या ये सब चीज़ें अभी बात की जाएगी, या उन्होंने बदमाशों को पहचान लिया था या फिर उन्होंने गोली मार चलाई या विरोध किया, वो सब चीज़ें अभी इसमें जो चीज़ें घर वालों से बात करके और जो भी चीज़ें आएंगी उससे आपको अवगत कराया। घर के अंदर चार लोग मौजूद थे।